हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरिया सेकेंडरी में। और आज आप लोग क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की आगे जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन, उसके रिलेटेड मोलैरिटी ये सब क्या है ये सीखेंगे। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक टर्म है, इसको रिलेट करके स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझो ना, लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। लिमिटिंग का मतलब लिमिट, मतलब जैसे कोई चीज अगर चाहिए हमको और उसमें अगर लिमिट लगा दी जाए तो फिर यार वो मतलब की चीज रह थोड़ी ना जाएगी। मतलब अगर हमको 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए की कोई सामान मिलता हो और आपको 99 रुपीज दिया गया, तो क्या वो सामान आपको मिल जाएगा? कुछ लोग कहेंगे हाँ मिल जाएगा, उधार करके आ जाएंगे। अरे बच्चों, ये केमिस्ट्री है, ये आपके पड़ोसी की दुकान नहीं है। ठीक, तो इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझना है कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट की क्वांटिटी है जो लेसर क्वांटिटी में है। हम लोगों को समझना है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी और ये मिलकर आपका कोई एक प्रोडक्ट सी बनाया। ठीक, जब इसके 10 ग्राम लग रहे थे, इसके भी 10 ग्राम लग रहे थे, तो यहां पर 20 ग्राम का प्रोडक्ट बन रहा था। बढ़िया से अपना प्रोडक्ट बन रहा था, 10 ग्राम इसके ए के, 10 ग्राम बी के और 20 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन अगर 10 ग्राम तो ए लिया आपने बाद में और बी को आपने 8 ही ग्राम ले लिया, चाहिए कितने 10 ग्राम प्रोडक्ट बनाने के लिए, लिया कितना 8 ही ग्राम, तो क्या आगे प्रोडक्ट बनेगा? तो बेटा प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि वो जिद पकड़ लेगा मुझे 10 दो वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ में आया? तो यहां पर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और बेटा ये जो बी है यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा बनता कौन है, रिएक्टेंट बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, मतलब डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछी जाती, इसको बेस मान कर, इसके कॉन्सेप्ट को समझकर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। कैसे? इट इज द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी लेसर होती है एंड दस द रिएक्शन स्टॉप्स बिफोर इट्स कंप्लीशन, इसके कंप्लीट होने के पहले, इसके कंप्लीट होने के पहले वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। और इसीलिए वही रिएक्टेंट जो कम मात्रा में लिया गया है वो क्या बन जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है और इसी रिएक्शन के लिए। ठीक, थोड़ा सा तो मुद्दा समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन लगा के देख लेंगे, बस तरह से आप लोग समझ जाओगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का आगे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ। तो अब आपको ये एग्जांपल दिया गया है ये क्वेश्चन का, इसमें समझते हैं बेटा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे निकालना है और फिर उस लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से CO2 और वाटर के मोल्स कैसे निकालने हैं। लेट्स सी अबाउट दिस। आपको मीथेन दिया गया है, चलो मीथेन को थोड़ा पेन चेंज करते हैं और समझते हैं। मीथेन को CH4 से रिएक्ट किया, O2 लिया, प्रोडक्ट बनाया CO2 एंड वाटर, बनाया कि नहीं बनाया? स्टोइकोमेट्री में पहले क्या 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 कहा गया था कि आपको नंबर ऑफ मोल्स, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके बाद उस बैलेंस रिएक्शन से मास कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हो और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलो यहां पर देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 4 है, यहां पर आप 2 और इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन में यहां पर 2 डाल दो, बैलेंस हो गया रिएक्शन, 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन 2, इधर 2 ऑक्सीजन, 4 बैलेंस्ड। चलो देखो मुन्ना, यहां पर 1 मोल मीथेन लिया गया है, 2 मोल ऑक्सीजन लिया गया है, 1 मोल CO2 बना है और 2 मोल वाटर बना, ये स्टोइकोमेट्री के हिसाब से है, जो कि आपको स्टोइकोमेट्री के पर्पज से आपने इसको जाना। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, इसके बाद अगर मास की बात की जाए, मास की, चलो मास की बात करते हैं, इसका कार्बन का कितना बनेगा भाई, 12 × 12 + 1 × 4 कितना बना, 16 ग्राम बना कि नहीं बना? ऑक्सीजन का 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64 ग्राम बना। इधर CO2 का 44 ग्राम, इधर वाटर का कितना आया, 36 ग्राम, कैलकुलेट करके देखना इतना ही आएगा। ठीक, इस रिएक्शन के हिसाब से, मतलब इनके जितने मोल है उस हिसाब से, क्लियर?
तो बेटा देखो यहाँ पर आपको मास का जो दिया गया है रेशियो 16:4 यानी कि 1:4 के रेशियो में दिया गया है कि नहीं, बोलो। स्टोकियोमेट्री क्या कहती है कि मास 1:4 के हिसाब से होना चाहिए, जिसमें 1 मीथेन होना चाहिए, 4 के रेशियो में ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाकर आपका प्रोडक्ट बनता है CO2 और वॉटर। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, अब गिवन की बात देखते हैं। गिवन में आपको मास दिया गया है 32 ग्राम मीथेन का दिया गया है और 80 ग्राम ऑक्सीजन का दिया गया है, ठीक। अब जरा आप ये देखो मुन्ना कि 1:4 है तो 32 × 4 कितना बना, 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = 12। यार होना तो चाहिए ये 128 ग्राम होना चाहिए कि नहीं, 128 ग्राम शुड बी, ऑक्सीजन शुड बी कितना होना चाहिए, 128 ग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, 80 ग्राम। क्वेश्चन में देखो भाई, क्वेश्चन में 80 ग्राम दिया है, होना कितना चाहिए 128 ग्राम, किसके रास्ते, 1:4 के वजह से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो स्टोकियोमेट्री से आपने कैलकुलेट किया तो 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इतना बना रहा है। तो आपको दिया तो क्वेश्चन में ये, यानी कि इसकी वैल्यू कम दी गई है। अब सुनो मेरी बात, जब आप 32 ग्राम मीथेन और 80 ग्राम ऑक्सीजन देखते हो ना, झट से कहते हो 32 ये कम है, चलो CH4 ही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। मैम ने बताया था कि जो रिएक्टेंट में जिसका मास कम होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है, वही लिमिटिंग बन जाता है, तो चलो हम लोग मीथेन को मान लेते हैं। अरे भाई मैम ने आगे भी कुछ समझाया है कि कैसे लिमिटिंग बनाओगे। देखो सबसे पहले CH4 का मास निकाला, ऑक्सीजन का स्टोकियोमेट्री से निकाला, फिर गिवन देखा, गिवन में 1:4 में होना चाहिए, तो अगर 32:128 होता तो सही होता तो प्रोडक्ट बनता, लेकिन बेटा 80 तो आपको क्या दिया गया है, कम दिया गया है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या बना, ऑक्सीजन। यानी कि मुन्ना आपका लिमिटिंग रिएजेंट, पहला क्वेश्चन तो निकल के आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन है, पहला तो आंसर आपको मिल गया। अब फाइन नंबर ऑफ मोल्स की बात करें CO2 और वाटर के मोल्स की बात करें, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा बेटा बताओ, कि 2 O2 मिलकर एक CO2 बना रहे हैं, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 बना रहे हैं। बोलो भाई, या चूंकि मास के हिसाब से दिया तो वैसे देखो 64 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम CO2 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बताओ। अगर 2 O2 देखो तो ये तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग एजेंट है कि नहीं है, तो इसी को मानो तो 80 ग्राम कितना बनाएगा, क्योंकि जो कम है उसी के पर्पज से तो देखेंगे कि अगर 80 ग्राम दिया है तो कितना बनेगा भैया, कम बनेगा ज्यादा बनेगा देखेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम लोग को सॉल्व करना होता है। इस बात को समझो, नहीं समझोगे तो गड़बड़ आ जाएगी, ठीक। आओ चलो, तो कितने ग्राम बनेगा, नंबर ऑफ मोल नहीं नंबर ऑफ मास निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मास कुछ भी निकालोगे निकल आएगा, ठीक। या नंबर ऑफ, पहले मास निकालेंगे उसी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। चलो ये निकाला आपने, निकालो बेटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इसको, कितना आएगा 80 × 44 = इसको x मानो, x × 64, ठीक। या तो आप अगर x = कैलकुलेट करोगे तो 80 × 44 / 64 सॉल्व करो ना, कितना आएगा 80 × 44 × 64 सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 55 ग्राम आपका बन के आएगा, कौन, CO2, अगर लिमिटिंग रीजेंट ये लिया, ठीक। ये क्या निकल के आ रहा है, मास निकल के आ रहा है, गड़बड़ी मत कर देना, सॉल्व में आया है वाली बार। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे। चलो क्या देगा, 2 O2 2 H2O बना रहा है, ठीक। तो यानी कि 64 ग्राम 36 ग्राम बना रहा है, तो 80 ग्राम कितना बनाएगा, फिर से x मानो, तो यहां पर x = क्या बनेगा बताओ,
80 into 36 upon 64 आया कि नहीं आया? 80 into 36 upon 64 बना, इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 45 ग्राम। आप देखो मुन्ना, यहां पर कितना बन रहा था स्टोकियोमेट्री के हिसाब से? 44 ग्राम। यहां पर कितना आया? 55 ग्राम। अगर आप इतना लोगे, लिमिटिंग रेजेंट अगर 80 है और अगर उसकी मदद से आप निकालना, अगर 128 होता तो इतना बढ़िया बन जाता तगड़े से। समझ में आया? लिमिटिंग रेजेंट के पर्पज से आप निकाल लोगे कि कितने ग्राम बनेगा कितना नहीं बनेगा। समझ में आया मुन्ना? वेरी गुड। तो अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स है। चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। एन ऑफ सीओ टू बराबर गिवेन मास अपॉन मोलर मास होता है कि नहीं? बोलो, एन ऑफ सीओ टू बराबर गिवेन मास अपॉन मोलर मास कितना है? गिवेन मास अपॉन मोलर मास, एन ऑफ सीओ टू, एन ऑफ एच टू, दोनों चीजें अगर आपको अलग अलग निकालनी है तो कैसे निकालोगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ टू, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपको मास ही कैलकुलेट करना है। देन यू विल फाइंड लिमिटिंग रेजेंट एंड मास ऑफ सीओ टू एंड एच टू ओ, यही आपको निकालना था और आपने आंसर में निकाल लिया। मास ऑफ क्या है? 55 ग्राम। और मास ऑफ ये क्या है? वॉटर कितना निकला? 45 ग्राम। दिस इज द आंसर। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बात को बताओ। सबसे पहले देखो आपने क्या किया, रिएक्शन लिखा, स्टोकियोमेट्री देखी, आपको 1:4 का मास दिखा, क्लियर 1:4 में। फिर आपने देखा आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 1:4 के हिसाब से होना था तो उसको 128 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन दिया गया 80 ग्राम, यानी कि इसकी वैल्यू कम है, यानी कि यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो रिएक्शन तो स्टॉप हो जानी चाहिए, हो जाएगी, लेकिन आपसे पूछा गया देन मास ऑफ सीओ टू एंड वाटर फॉर्म कितना होगा, मतलब अगर चलती रही रिएक्शन तो कितना बनेगा। तो आपने लिमिटिंग रिएजेंट को मान के बताया कि 2O2 अगर CO2 बना रहा है, यानी कि 64 ग्राम अगर 44 ग्राम बना रहा है तो 80 ग्राम X बनाएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक सिंपल मैथमेटिक रूल है, उसे आपने निकाला 55 ग्राम, और इधर कितना आया? 45 ग्राम। क्लियर हुआ बेटा? ये बहुत इजी टेक्निक है लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने की। मेन आप यही कॉन्सेप्ट पकड़ो जो मैंने आपको बताया। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आया, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे हम लोग दूसरे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। चलो इसी क्वेश्चन में आगे अगर मास है और मोल्स भी मान लो कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया। वैसे तो मैंने कट करके यहां पर मास दे दिया था, मान लो मोल्स भी दे दिया तो आप क्या करोगे? मास को कैलकुलेट करना आ गया, मोल्स पूछ लिया गया तो आप क्या करोगे बताओ? चलो देख लो, मोल ऑफ सीओ टू बराबर करोगे तो क्या बताया? गिवेन मास अपॉन मोलर मास। गिवेन मास कितना आया बताओ? गिवेन मास कितना आया? 55 आया। तो 55 और मोलर मास कितना होता है इसका? 44 होता है, तो इसका कितना मोल आएगा बेटा? 1.25 मोल, यानी कि आपके इतने मोल्स बनेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की कंडीशन में। क्लियर हुआ? समझ में आया? और अगर आपको मोल ऑफ वाटर निकालना है तब भी गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इसको शॉर्ट में करते 45/18 करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का मास तो 18 होता है। 45 आपका ग्राम आया था और इसको 18 निकाला, तो कितना आएगा आंसर बताओ? 45/18 में आंसर बनेगा लगभग बनेगा 2.5 मोल, ये इसका आंसर बनेगा। तो देखो भैया, लिमिटिंग रिएजेंट से आपने एक ये आंसर निकाला, पेन चेंज करके दिखा रहा है, ये क्या निकाला आपने? मास ऑफ सीओ टू, ये निकाला आपने मास ऑफ सीओ टू, लिख दे रहे मास ऑफ सीओ टू निकाला लिमिटिंग रिएजेंट से, ठीक। ये आपने क्या निकाला? मास ऑफ वाटर निकाला, ठीक है। फिर आपने ये निकाला मोल्स ऑफ सीओ टू, और फिर आपने ये निकाला मोल्स ऑफ वाटर। तो और एक और क्वेश्चन पूछा गया था लिमिटिंग रिएजेंट, अगर एक ही क्वेश्चन में सब दे दिया गया कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछ लेगा। लिमिटिंग रिएजेंट आपने क्या निकाला? ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको आपने सीखा है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाता है, उस लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से मास कैसे निकाला जाता है, और अगर मास निकाल लिया तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर हुआ? अभी तो एकदम समझ में आ गया होगा
अब इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लो ताकि आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया और ये पता चल गया। क्लियर? तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ताकि फाइनली आपको इस टॉपिक से मुक्ति मिल गई। अब हम लोग को पढ़ना है कंसंट्रेशन और जो उसके फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखते हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हमको पढ़ना है अबाउट कंसंट्रेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स। तो बेटा सबसे पहले तो कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको गिवन वॉल्यूम में घोल दिया गया हो। बस छोटी सी बात, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्वड इन अ सॉल्यूशन या डिसॉल्वड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। उसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके तीन रिलेटेड टर्म होते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर? तो बेटा मास बाय मास परसेंट में याद रखना एम बाय एम ऊपर की तरफ जो होगा जिसका निकालना है वो रखा जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, जो हम बोल रहे हैं वही सुनना है। जिसका मास बाय मास निकालना है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और अपॉन में सॉल्यूशन रखना है, यानी कि टोटल रखना है। ठीक है? अब मान लो आपको सॉल्यूट दिया है 10 ग्राम और सॉल्वेंट दिया है आपको, मान लो दिया है 70 ग्राम, मान लो, ठीक है, मान लो 80 ग्राम दिया है, या यार चलो 80 ग्राम दिया है, ठीक है, मान लो ये दिया है। तो आपको अगर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट निकालना है, तो ऊपर आप सॉल्यूट रखोगे, नीचे सॉल्यूशन रखोगे, यानी कि इसके लिए आपको 10/80 × 100 करना पड़ेगा। ध्यान रखना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर बनता है ना यार, जो बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझो। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है। जिसको नहीं पता वो जानो, सॉल्यूट जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट जिस में मिलाया जाता है। सॉल्यूट चीनी हो गया, सॉल्वेंट पानी हो गया, दोनों को मिला दिया सॉल्यूशन बन गया। तो यहां पर आपको टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन टोटल अमाउंट बनाओगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को जोड़ कर रखोगे तो नीचे क्या रहेगा, कुछ लोग यही रखेंगे 10/80 × 100 यही तो रखोगे, लेकिन सॉल्यूशन में 80+10 × 100 रखोगे, यानी कि यहां पर आपको रखना पड़ेगा 10/90 × 100 सॉल्यूट के लिए, बताओ। और अगर सॉल्वेंट के लिए रखना होगा तो सॉल्वेंट के लिए क्या आएगा, 80/90 × 100, मतलब 80/90 × 100। एक छोटा सा एग्जांपल करके आपको बताने की कोशिश की है भाई, अगर सॉल्यूट 10 है, सॉल्वेंट 80 है, तो सॉल्यूट निकालने के लिए ऊपर 10/90 रखोगे, सॉल्वेंट निकालने के लिए ऊपर 80/90 रखोगे। 90 क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको समझो भाई। तो जिस चीज का निकालना होता है मास बाय मास उसको ऊपर रखते हैं और नीचे सॉल्यूशन रखते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर बनता है। तो आपको अगर अलग अलग कोई दो वैल्यूज दी जाए, सॉल्यूट दिया जाए, सॉल्वेंट दिया जाए, तो आप नीचे की तरफ दोनों को ऐड करके रखोगे और ऊपर अगर सॉल्यूट का मास बाय मास पूछा है तो ऊपर सॉल्यूट रखोगे, सॉल्वेंट पूछा है तो सॉल्वेंट का रखोगे। इसलिए आपको अलग अलग मैंने फॉर्मूलाज करके दिखा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चाहते तो हम एक ही एक फॉर्मूला बना के दिखा देते हैं, लेकिन इतना लिखा है इसको समझो। अब मास बाय वॉल्यूम में ऊपर की तरफ मास रखना है, नीचे की तरफ वॉल्यूम रखना है, नीचे की तरफ हमेशा सॉल्यूशन रखते हैं। तो अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे तो सॉल्यूशन ही रखोगे भाई, टोटल सॉल्यूशन में कितना घुला है हमको ये देखना है। ठीक, नीचे सॉल्यूशन, ऊपर जिसका निकालना होगा वो रखेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे, अगर सॉल्यूट का निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर हुआ? बहुत बताओ क्लियर हुआ? इस चीज को बड़े आसानी से आप लोग समझ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इन्हीं फॉर्मूला से निकाला जाता है। एक छोटा क्वेश्चन मेरे सामने आया है, इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक छोटा टॉपिक डेंसिटी पढ़ेंगे और आज का लेक्चर को यही रोकेंगे। फिर एक
छोटे से टॉपिक्स बच रखे हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी, वो खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश। क्लियर है? क्वेश्चन है देखो भाई, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन बनाया गया क्या यूज करके, बाय एडिंग 10 ग्राम NaCl इन 90 ग्राम ऑफ वॉटर, इन 90 ग्राम ऑफ वॉटर, ये आपको दिया गया है। ठीक, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये आपको दिया गया है। तो सॉल्यूट का भी निकालना, सॉल्वेंट का भी निकालना। चलो देखो, अगर मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा, ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे कि नहीं, इनटू 100। ठीक, चलो सॉल्यूट का मास जिसको मिलाया जाता है 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम सॉल्यूशन, अभी बताया सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर बनता है, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, ये कितना 90 ग्राम, यानी कि 10 और 90 जोड़ कर लिखना है, तो 10 × 100 × 100 करोगे मुन्ना तो कितना बना, 10%, मास बाय मास इस पर कितने परसेंटेज आ गया, 10% आया, बोलो क्लियर एकदम। ठीक, अब वैसे तो हम एक और चीज बता सकते, चलो मास मास बाय मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या करोगे, चलो मास ऑफ सॉल्वेंट रखो अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन रखो इनटू 100 रखो। ठीक, चलो सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 90 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन कितना है 90 × 10 100 ग्राम इनटू 100 ग्राम, ये कटा कितना बना 90%, तो ये 90% किसका आ गया, सॉल्वेंट का, सॉलिड का कितना आ गया 10%। क्लियर है? एक चीज और होती है देखो, जैसे तुमने मास परसेंटेज सॉल्यूट का निकाल लिया तो हम एक देखो सॉल्यूट, एक और चीज आती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा 100 के बराबर बनता है, तो अगर तुमने सॉल्यूट निकाल लिया कितना 10 प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 बना, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100, मतलब सॉल्वेंट अगर निकालना है तो 100 माइनस 10 कितना आ गया 90। तो बेटा एक ये भी तरीका होता है, इतना अगर फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है तो आप इससे भी निकाल सकते हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा 100% सॉल्यूशन के बराबर बनता है, इस बात को भी ये समझ लो। दो तरीके आपको समझा दिए, चाहो तो फुल फॉर्मूला करके निकाल लो या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 निकाल लो, एक चीज अगर निकाल लोगे उसको 100 से माइनस कर दो दूसरा आ जाएगा, है ना अच्छे अच्छे तरीके, जल्दी से सीखते रहो। एक छोटा सा टॉपिक डेंसिटी बच रखा है, उसके बाद आज का लेक्चर का भैया पूर्ण विराम करेंगे। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से देखिए, इस चैप्टर में डेंसिटी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम, इसको देखो आज इसमें केमिस्ट्री में हम लोग इस चैप्टर में कैसे यूज करेंगे, अभी भी डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो इस डेंसिटी को यूज करके हम लोग उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्यूशन में इन्हीं का यूज होना है, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ 100 ml ऑफ एल्कोहल गिवन है जिसकी डेंसिटी इतनी है तो मास ऑफ एल्कोहल कैसे निकलेगा, और अगर मास ऑफ एल्कोहल निकाल लिया तो भैया बहुत कुछ निकाल सकते हो, फिर तो आप मोल्स निकाल सकते हो, मास बाय मास निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो फिर तो। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन में आपको मास पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, डेंसिटी दी गई है, तो आप कैसे निकालोगे, जल्दी से देखो। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ml बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए जल्दी से, डेंसिटी बराबर 1.50 ग्राम पर ml मान ले, हाँ डेंसिटी दी कितनी गई है आपको क्वेश्चन में, 150 ग्राम पर ml बराबर मास कितना है बताओ, 100 ml अपॉन, नहीं मास नहीं, मास तो दे, मास तो निकालना है, सॉरी वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 ml दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो अगर आप ml से ml कैलकुलेट करोगे तो मास की वैल्यू क्या नहीं निकल के आ जाएगी क्या, बस इसी तरीके से आपको
कोई एक वैल्यू दी जाएगी, डेंसिटी दी जाएगी, उसके फॉर्मूले से आप या तो मास निकाल लोगे या तो वॉल्यूम निकाल लोगे। क्वेश्चन में जिस चीज की जरूरत हो उस चीज को यूज कर लेना। मतलब अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई हो तो आप उस डेंसिटी से या तो मास कैलकुलेट कर सकते हो या तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो आप क्वेश्चंस में। जैसे कि मास बाई वॉल्यूम में, अभी आपको मोलैरिटी मोलैरिटी कल के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, उसमें आप समझ लेना, ठीक। तो इस तरीके से आप मास कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से देखिए लो क्या ये 1.50 × 100 ग्राम कितना आया। 1500 कट गया, दो के यहाँ पे कितना बन गया 150 ग्राम, ठीक। यही आंसर आया कि नहीं? मास निकाल लिया, मास ऑफ अल्कोहल। अब इस मास ऑफ अल्कोहल का चाहे जाए यूज करो, मास बाय मास में करो, मास बाय वॉल्यूम में करो, करो जाए यूज करना करो। क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लगा कर देखना। नहीं आएगा अभी तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जब इसके क्वेश्चंस की कभी सीरीज बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को एकदम क्लियर कर देंगे कि आखिर आप इसको कैसे एप्लीकेबल करोगे। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लो मन्ना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं हम लोग पूर्ण विराम, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक ही लेक्चर बच रखा है जिसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, और तीनों चीजों को पढ़कर हम लोग चैप्टर को करेंगे द एंड, ठीक। एक बहुत जरूरी सूचना, मेरे 9th क्लास के छोटे बच्चे लोग कह रहे हैं कि मोशन के लेक्चर्स को भी अपलोड कर दिया जाए। मोशन क्या? वो जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है। तो बहुत जल्दी, बस कल के लेक्चर के बाद हम फिजिक्स की नई सीरीज बनाएंगे वीडियोस की, जिसमें आपको मोशन चैप्टर की जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से सभी को थैंक यू सो मच।